दिल्ली नगर निगम का चुनाव अब गुरुवार यानी 16 फरवरी को होगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली मेयर चुनाव 16 फरवरी को कराने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपनी मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव नगर निगम ने दिल्ली सरकार को भेजा था, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकृत करते हुए राजनिवास भेजा। अब इस पर उपराज्यपाल ने अंतिम निर्णय लिया है। अभी तक उपराज्यपाल दिल्ली सरकार द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों को ही मानते रहे हैं। 24 जनवरी और 6 फरवरी को मेयर चुनाव कराने का दिल्ली सरकार का प्रस्ताव था, जिसे एलजी ने मान लिया है। गौरतलब है कि इससे पहले हुई 3 बैठकों में निगम के मेयर के निर्वाचन को सफलता नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, किश्तों में सारी प्रक्रिया एक तरह से पूरी हो रही है। पार्षदों की शपथ से लेकर मेयर, उपमेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव का एक ही बैठक में कराना होता है। बता दें कि 4 दिसंबर 2022 को हुए निगम के आम चुनाव के नतीजे 7 सितंबर 2022 को आ गए थे। इसके बाद पार्षदों की शपथ और मेयर चुनाव के लिए 6 जनवरी की तारीख तय की गई। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने जैसे ही मनोनीत सदस्यों को शपथ के लिए बुलाया तो आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया, जिस वजह से हंगामे के चलते बैठक स्थगित कर दी गई। इसके बाद जनवरी और 6 फरवरी को भी भाजपा पार्षदों के हंगामे के चलते बैठक स्थगित हो गई। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है, जहाँ 13 फरवरी को सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज।